इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता, श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता। जिस वक्त इमरान खान चीन में कश्मीर के खिलाफ जहर उगल रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने वो कर दिया जिससे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर मामले पर दुष्प्रचार करने के लिए 5 फरवरी को पूरी दुनिया में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया। इसको मनाने के लिए पाकिस्तान के विदेश विभाग ने पूरी दुनिया में अपने दूतावासों और उच्चायोगों को खास निर्देश दिए, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद इस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा की हवा कश्मीर के लोगों ने तो निकाल ही दी, साथ ही रही सही कसर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों ने पूरी कर दी। पीओके निवासियों ने कश्मीर के नाम पर सालों से किए जा रहे अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाई और यहां तक बोल दिया कि जिस रफ्तार से श्रीनगर में विकास हो रहा है, वैसा विकास तो इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा। इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल होता जो श्रीनगर के हॉस्पिटल का मुकाबला करता। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 फरवरी को पूरी दुनिया में अपने दूतावासों को आदेश दिया था कि 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी टूलकिट भी तैयार की। पाकिस्तान ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारत के खिलाफ जहर उगलने के निर्देश दिए, लेकिन इस पूरी मोर्चाबंदी की धज्जियां कश्मीरियों ने ही उड़ा दी। भारत में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों और गांवों में पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। रैली में आए युवाओं ने खुलकर कश्मीर में 30 सालों से चल रहे खून खराबे के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो हर हालत में भारतीय ही रहेंगे। हमने एक रैली निकाली चिंडीगाम से सोगम तक, जिसका यही मकसद था कि हमारे जो कश्मीर में पीस कायम हो और लोगों को मतलब अवेयरनेस हो टेररिज्म से। हमारा कश्मीर अभी कुछ सालों से डेवलप हो रहा है और हमारा कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर बदलेगा। हमें जम्मू कश्मीर में अब कोई टेररिज्म नहीं चाहिए, कोई दहशतगर्दी नहीं चाहिए, हम दहशतगर्दी का बिल्कुल साथ नहीं देते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी गुस्सा तेजी से फूट पड़ा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मंग, हजीरा और बाग इलाके में पाकिस्तान विरोधी रैलियां निकाली गईं। इन रैलियों में 5 फरवरी को फ्रॉड डे का नाम दिया गया। आइए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आया ये भूचाल कितना बड़ा है। पाकिस्तान ने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारी की। पाकिस्तान चाहता था कि इस दिन वो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। इसके लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी दूतावासों और मिशनों को खास निर्देश दिए कि 5 फरवरी को उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें वेबिनार्स करनी थी, उन्हें डिबेट्स करनी थी, उन्हें वॉक्स या आर्ट कॉम्पिटिशन करने थे और सबसे ज़्यादा जोर सोशल मीडिया पर दिया जाना था। इसके लिए पाकिस्तान ने उनको एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया, जिसको उन्हें अपने ट्विटर हैंडल्स से ट्वीट करना था या अपने समर्थकों से उसको आगे बढ़ाना था। पाकिस्तान का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार के हुक्म के मुताबिक 5 फरवरी से पहले ही कश्मीर सॉलिडेरिटी डे की हवा बनाने में लग गया। प्राइम टाइम डिबेट्स हुई, अपने चुने हुए तथाकथित कश्मीर विशेषज्ञों के जरिए कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। एक हफ्ते के अंदर ही हजारों नए फर्जी ट्विटर हैंडल क्रिएट किए गए, जिनसे लाखों की तादाद में ट्वीट किए गए ताकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा सके। गरज ये कि इस पूरी कवायद में पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और अपनी पूरी सरकारी मशीनरी की ताकत लगा दी, लेकिन इस पूरे गुब्बारे की हवा एक छोटे से पिन ने निकाल दी। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के कश्मीर, दोनों ही जगह कश्मीरियों ने पाकिस्तानी सरकार के हर दावे की कलाई खोल दी। पाक अधिकृत कश्मीर के मंग, हजीरा और बाग जैसे इलाकों में स्थानीय लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली और इंटरनेशनल कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को पाकिस्तान के फ्रॉड डे के तौर पर मनाया। इस दौरान कई राजनीतिक नेताओं ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के कश्मीर की तुलना कर पाकिस्तान की सरकार को सच का कड़वा घूंट पिला दिया। भारत के कश्मीर के अलग अलग शहरों में
युवाओं, छात्रों, व्यापारियों, आम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली और पाकिस्तान की सरकार को साफ तौर पर यह बता दिया कि वो भारतीय हैं और भारतीय कश्मीर के रहने वाले हैं। भारत उनके रगों में बहता है और पाकिस्तान का कोई भी दुष्प्रचार उनको अब बरगला नहीं सकता है। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर को लेकर भारत से एक और बड़ी जंग हार गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.